हेलो गाइस, मैं हूं विक्की, आपका स्वागत है मेरी नई एक और वीडियो में। तो भाई आज हम बात करने वाले हैं किया सेल्टोस एक्स लाइन वेरिएंट की। तो भाई किया ने अभी ये लॉन्च करा है, तो इसके भाई ये कुछ एक नया कलर और लॉन्च करा है, तो इसमें थोड़ी बहुत चेंजेस करे हैं, तो वो आज हम इस वीडियो में आपके सामने बात करने वाले हैं। बात करें फ्रंट से, तो भाई फ्रंट में आपको भाई किया का नया वाला लोगो देखने को मिल जाएगा, और ये भाई ये मैट ग्रेफाइट ग्रिल मिल जाएगी। पहले इसमें भाई ग्रे कलर की आती, मतलब सिल्वर कलर की आती थी, अब ये वाली ग्रिल आने लगी है, तो ये आप देख लो कुछ ऐसा डिज़ाइन मिल जाएगा ब्लैक कलर में आपको मैट। और भाई फुल गाड़ी मैट कलर में है, तो बड़ी देखने में भाई बड़ी धास लग रही है। और इसमें भाई 360 डिग्री कैमरा मिल जाएगा आपको, ये इस लाइन एक्स लाइन में भाई आपको मिल गया। और दो पार्किंग सेंसर मिल जाएंगे फ्रंट वाले, और स्किड प्लेट मिल जाएगी जिस पे भाई आपको ऑरेंज कलर का कलर मिल जाएगा, जो जीटी लाइन से थोड़ा थोड़ा मिलता जुलता है। तो फ्रंट से कुछ ऐसे लुक्स हमारी गाड़ी के। अब बात करते हैं इसके भाई हेडलैम्प्स की, तो कुछ ऐसे हेडलैम्प्स मिल जाते हैं, और नीचे भाई कुछ आइस क्यूब वाले फॉग लैम्प्स आ जाते हैं, और गाड़ी भाई देखने में मस्त लग रही है आगे से। अब बात करते हैं भाई साइड से, तो साइड से कुछ ऐसे लुक्स है भाई। ये जो आप वेरिएंट देख रहे हो भाई ये 7 DCT वाला है, ऑटोमेटिक ड्यूअल क्लच ट्रांसमिशन वाला। और भाई ये देखो ये ग्रेफाइट कलर में है, मैट कलर की गाड़ी, जो यार ये वाला मतलब नया कलर लॉन्च किया है क्या ने इस बार। और इसके अलॉय व्हील्स में भी मतलब ऑरेंज का कुछ अलग ही लग रहा है, कुछ करा है अलग, पहले रेड आता था अब ऑरेंज करा है। अब बात करते हैं अंदर से, तो भाई चलो भाई नहीं पहले ना भाई पीछे से बात करेंगे गाड़ी के, फिर बाद में अंदर में आएंगे। पहले एक्सटीरियर में भाई पीछे से देख लो भाई, पीछे से आपको भाई ये आपको सारे मतलब कि सेम ही यार, ज़्यादा बस कलर वगैरह में डिफरेंस है, नहीं तो वो नीचे भी आपको स्किड प्लेट मिल जाएगी अब पीछे साइड, और आगे साइड भी स्किड प्लेट मिल जाएगी। तो कुछ ऐसा भाई पीछे से लुक लग रहा है गाड़ी का, देखने में मतलब बढ़िया लग रही है। और यहाँ पे आपको एक्स लाइन की बैजिंग मिल जाएगी, और पीछे भी भाई ग्रेफाइट कलर की मतलब कि वो ग्रिल कर दिए, जो भाई किया का लोगो लिख रहा है इस पे। वो पहले क्रोम में आते थे, लेकिन अब भाई ब्लैक में कर दिए, मतलब ब्लैक क्रोम बोलते हैं इसको शायद, तो इसमें कर दिए। और यहाँ पे GDI का भाई आपको लोगो भी मिल जाएगा, TGDI, जो मतलब ऑलमोस्ट हर मतलब कार पे बैजिंग मिल जाती है। और शार्प फिन एंटीना मिल जाएंगे भाई, डिफोगर मिल जाएंगे आपको गाड़ी पे, और भाई रियर का वाइपर मिल जाएगा। और UVO गाड़ी में UVO टेक्नोलॉजी है। और बूट स्पेस की बात करें तो भाई इसमें आपको बूट स्पेस मिल जाएगा, वो भाई आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अब बात करें स्पेयर व्हील की, तो भाई इसमें स्टील रिम मिलता है आपको स्पेयर व्हील में। चलो अब बात करते हैं भाई इसके इंटीरियर की। डोर हैंडल की बात करें तो भाई डोर हैंडल पे सारों मतलब कंट्रोल्स मिल जाते हैं विंडो के, यहाँ पे भाई ऑटो होल्डिंग वगैरह सारी मतलब सारे फीचर मिल जाते हैं यार मोटे मोटे, वाटर बॉटल होल्डर। और ये कुछ नया है, हुड का यहाँ से खुलता है भाई यार आगे का शायद हुड, या 360 कैमरा हो गई। और यहाँ पर कुछ ऐसे इसकी MID मिल जाती है, इसकी की नहीं है, तो भाई अंदर से देखने में कुछ ऐसी लग रही है, बढ़िया लग रही है। क्विक रिव्यू, और ये 7 DCT वाला वेरिएंट है, इसमें ऑटोमेटिक एसी मिल जाता है। 7 DCT का देख लो भाई, ये ऐसा कुछ गर्मी, ये सबसे प्रीमियम लगता है भाई, इसका कुछ भी बोलो प्रीमियम लगता है ये। और बोस का इसमें म्यूजिक सिस्टम आता है, 10.25 इंच की स्क्रीन मिल जाती है। यहाँ पर UVO कनेक्टिंग वगैरह सारे आपको, ऑटो डिम लाइट ये मिल जाता है। और यहाँ पर बोस के स्पीकर्स मिल जाते हैं आपको। ओवरऑल यार लुक बढ़िया लग रहा है, मतलब ज़्यादा कुछ चेंज नहीं है। फिर इसमें क्रोम, जैसे यहाँ पे क्रोम आता था, अभी ब्लैक क्रोम कर दिया, ये देखो ब्लैक की चीज़ थोड़ी प्रीमियमनेस बढ़ा दी गाड़ी की। वेंटिलेटेड सीट्स मिल जाती हैं, यहाँ से 360 व्यू मिलता है 360 का, और ऑटो पार्किंग का ये भी आ जाता है। यहाँ पे ड्राइव ट्रैक्शन वगैरह ये आपको मिल जाते हैं, ड्राइव मोड्स वगैरह, ट्रैक्शन ऑन कंट्रोल वगैरह। फ्रंट सीट्स की बात करूँ तो भाई सारी आपको लेदर में मिलते हैं, वेंटिलेटेड है, तो भाई आप इसमें सीट कवर तो लगवा नहीं सकते भाई, सही आपको इसमें हैंडरेस्ट का स्पेस भी सही मिल जाएगा। और इसमें भाई आता है एयर प्योरीफायर, दिख गया होगा आपको एयर प्योरीफायर है। और अंदर का कैबिन देखने में अच्छा लगता है। और आप यहाँ बात करें पीछे से, तो पीछे से भाई देखो इसमें ज़्यादा स्पेस लग रहा है शायद मेरे को, पर नहीं यार उतनी है, सारी लेंथ वगैरह सब उतनी है, तो शायद देखने में फ़र्क हो, सीट थोड़ी आगे होंगी। और ये आपको हैंड रेस्ट मिल जाएगा बैक सीट पे, चारों इसमें मतलब सारे ही हैंड रेस्ट एडजस्टेबल मिल जाएंगे। सनरूफ आ जाती है इसमें, सबसे बड़ी बात ये भी देखो भाई एक्स लाइन है ये, और मतलब बढ़िया लग रहा है मेरे को। तो भाई मैं बताऊँगा मेन चीज़ कीलेस एंट्री आ जाती है, मेन ये मेरे को इसी चीज़ के लिए अच्छी लग रही है, इस कलर के लिए। ये है DCT वाला वेरिएंट, तो इसमें 1.4 टर्बो GDI इंजन मिल जाता है, कुछ ऐसा इसका इंजन मिल जाता है। पावर्स और वगैरह जो भी होगी भाई आपको स्क्रीन पे देखने को मिल जाएगी, इसकी कितनी पावर मिल जाती है, और ऐसा कुछ इसका इंजन मिल जाता है। अब बात करें इसमें सेफ्टी की, तो भाई इसमें आपको मतलब ABS CBD वगैरह सब मिल जाता है, और भाई 6 एयरबैग्स आता है, नहीं तो भाई वैसे HTX प्लस या GTX वगैरह में किसी में 6 एयरबैग्स नहीं आते, इसमें भाई 6 एयरबैग्स आते हैं। और भाई चारों डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं आपको। तो भाई आप बात कर लेते हैं इसके प्राइस की। तो जो भाई इसका प्राइस पड़ता है वो पड़ता है आपको भाई 17,79,000 एक्स शोरूम प्राइस, और गुड़गांव का ऑन रोड प्राइस बात करें तो भाई 20,51,000 के समथिंग का भाई इसका ऑन रोड प्राइस आता है।